एक बार की बात है, एक नौजवान लड़का रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन पर पहुंचकर टिकट काउंटर पर गया और वहां जाकर गाने लगा कि मुझे एक टिकट दे दो। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने उससे पूछा कि आपको कहां का टिकट चाहिए। लड़के ने कहा कि टिकट दे दो, आपको बात समझ नहीं आ रही क्या, मुझे टिकट चाहिए। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने सोचा कि यह शायद थोड़ा खिसका हुआ व्यक्ति है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहा है। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने फिर उससे पूछा, अरे भाई साहब, आपको कहाँ का टिकट चाहिए, बताइए तो। लड़के ने कहा, अरे मैं कब से टिकट मांग रहा हूँ, तुम्हें टिकट देना है या नहीं। अब काउंटर पर बैठे व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने उस व्यक्ति को भगा दिया और कहा कि पीछे बहुत सारे आदमी खड़े हैं, यहाँ से चले जाओ, नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। लड़का को थोड़ा गुस्सा आ गया और वहाँ से चला गया। उसके बाद वो प्लेटफॉर्म पर आ गया जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे और अपनी अपनी ट्रेन का इंतजार। अब थोड़ी देर बाद एक ट्रेन आ गई और सभी लोग उस ट्रेन में चढ़ने लगे। लड़का भी उस ट्रेन में चढ़ गया। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अब आप ये बताइए कि लड़का कहाँ पहुँचेगा। हाँ, ये बात आपको बतानी है कि लड़का कहाँ पहुँचेगा। वहाँ पहुँचेगा जहाँ लड़के को पहुँचना चाहिए या वहाँ पहुँचेगा जहाँ ट्रेन उसको लेकर जाएगी। जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब आप भी अपने आप से यह प्रश्न पूछिए कि क्या आप बिना लक्ष्य वाली ट्रेन में सफर तो नहीं कर रहे हैं। कहीं आप भी अपने माँ बाप को दिखाने के चक्कर में और अपने दोस्त यार को दिखाने के चक्कर में बिना लक्ष्य वाली ट्रेन में तो नहीं बैठ गए हैं और कुछ ना कर दिखाने के कारण आपको लगता है कि यह सब कुछ सही है। अब ट्रेन में बैठा व्यक्ति चला जा रहा है, बस चला जा रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद वो बोर हो जाता है, परेशान होने लगता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिर थोड़े दिन के बाद उसे एक स्टेशन दिखता है और बहुत सारे लोग वहाँ उतर रहे होते हैं। फिर वो भी उतर जाता है, लेकिन स्टेशन पर उतरने के बाद उसे यह समझ आता है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं था, मुझे तो कहीं और जाना था। और फिर से आप अपने आप से सवाल पूछिए कि कहीं आप किसी रास्ते पर निकले हुए हैं जो बिना लक्ष्य की गाड़ी है, वहाँ तो नहीं पहुँच गए जहाँ आपको नहीं जाना था। इसलिए अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिए, आपको लोगों को दिखाने के चक्कर में किसी चीज़ को बनाने की और किसी चीज़ के जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि असल में आप जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो। एक बिना लक्ष्य के यात्रा करने पर आपका पूरा जीवन खराब हो सकता है। वहीं एक महत्वपूर्ण चीज़ खराब होती है जो कभी वापस लौट कर नहीं आती, वो है आपका समय। और इसलिए सबसे पहले आप सही जगह का चुनाव करें कि आपको जाना कहाँ है। उसके बाद स्टेशन पर जाकर उसका सही ट्रेन ढूंढें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें होती हैं और बहुत सारे अलग अलग स्टेशन होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं जिनको अपनी जगह जाना होता है। आपको अपना सही लक्ष्य चुनना है। यदि आप किसी को दिखाने के लिए कोई काम कर रहे हो तो उसे आज ही छोड़ दीजिए और अपने सही लक्ष्य का चुनाव कीजिए जो आपको एक सही यात्रा पर ले जाएगा। कई लोग अपने जीवन में बिना लक्ष्य के घूमते भटकते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं और जीवन के अंत में कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया। क्या मैं उनमें से एक बनना चाहता हूँ या फिर मुझे लक्ष्य का चुनाव करना चाहिए ताकि मुझे जीवन में खुशी खुशी के साथ अपना जीवन जीने का मौका मिले और एक अच्छा फैसला लेने का मौका मिले। जीवन में एक लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप ऐसा हो जाओगे कि जाना कहाँ था और कहाँ पहुँच गए। इस पर मुझे दो लाइन याद आ रही है कि जाना कहाँ था और कहाँ आ गए, दुनिया में बनकर मेहमान आ गए, अभी तो ज़िंदगी की किताब थोड़ी ही पढ़ी कि इतने सारे इम्तिहान आ गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना है आपको। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशनल के साथ। तब तक खुशी से रहिए, मस्त रहिए।